हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो इन दिस सेशन हम लोग द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे ऑफ 3rd जनवरी। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, बच्चों के कुछ डाउट्स है ना कि सर के एक्ट, विल और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली इन अ डेमोक्रेसी देयर आर 3+, है ना। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है क्या, जुडिशियरी। हर हर पिलर का अपना अपना काम है। लेजिस्लेटर का काम है, टू मेक द लॉ, ठीक है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द लॉ और टू इंप्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और जुडिशियरी का काम क्या है, टू चेक द लॉ कि वो कहीं किसी के राइट को या फंडामेंटल राइट को ब्रीच तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ जिसके जिसके पास ऐसा प्लेयर जो लॉ बनाता है, लॉ बनता कैसे है। सो इंडिया में देखेंगे तो सबसे बड़ी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है तो कौन सी है, पार्लियामेंट। ठीक है, सो पार्लियामेंट में दो हाउसेस, एक तो है लोकसभा, अनदर वन इज राज्यसभा, एंड एक और पर्सन आता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, सो अब बनता कैसे है एक लॉ, एक नया एक्ट बनता कैसे है। So, पहले क्या होगा, बिल प्रेजेंट होगा। तो बिल बेसिकली क्या होता है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे के प्रोविजंस लिखे होते हैं कि क्या क्या हमें एक्ट में चाहिए और क्या क्या वो लॉ बोल रहा है। सो ये बिल कहां जाएगा, किसी भी हाउस जा सकता है, लोकसभा भी जा सकता है, राज्यसभा भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों हाउस से पास होने के बाद ये कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने अगर असेंट दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, ये पहले क्या था, बिल। देखो, बिफोर द प्रेजेंट इन द हाउसेस, जब वो डॉक्यूमेंट हाउसेस में प्रेजेंट नहीं हुआ तब वो क्या था, बिल था, और प्रेसिडेंट ने जैसे ही उसको असेंट दे दिया वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और उसको अपन लॉ भी बोल सकते हैं, और लॉ। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि जो हाउसेस होते हैं वो हमेशा सेशन में नहीं रहते, है ना, और लोकसभा भी कभी ना कभी सेशन में नहीं रहती, डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा जी परमानेंट हाउस, बट लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाती है ना, जैसे कभी इलेक्शंस आने वाले होते हैं या हंग असेंबली हो जाती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो इन दो सिचुएशन में बिल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें बिल पास करना ही है, हमें एक नए लॉ की जरूरत है, हमें एक नए एक्ट की जरूरत है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये आदमी तो है, ये प्रेसिडेंट तो है, ये प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर द आर्टिकल 123 टू इशू एन ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस इज सिमिलर टू एन एक्ट, सिर्फ दो डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो कैसा है, ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस क्या है, सो ऑर्डिनेंस क्या होता है, इस टेम्पररी ड्यूरेशन होता है इसका, ओनली वैलिड फॉर 6 मंथ्स, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। एंड एक्ट इज समथिंग परमानेंट, ठीक है। एंड सेकेंड जो डिफरेंस है ऑर्डिनेंस और एक्ट में, ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या है, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं ला सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट इन द एक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। सो दीज आर दी टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया हो कि एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या है। देखो, ये अपने सेंटर की बात करी, सेम गोज विद स्टेट, स्टेट में भी यही सिचुएशन है। स्टेट में अगर एक हाउस है तो एक हाउस से पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उसे असेंट दे देगा। अगर दो हाउसेस है, ठीक है, तो विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो दोनों हाउस से पास होने के बाद गवर्नर उसे असेंट दे देगा। मान लेते हैं अगर कि विधानसभा सेशन में नहीं है, दोनों हाउस सेशन में नहीं है, उस केस में अपने कल भी पढ़ा था कि गवर्नर के पास पावर है अंडर द आर्टिकल 213 टू इशू एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, जैसे कि पावर प्रेसिडेंट को मिलती है अंडर द आर्टिकल 123, गवर्नर को पावर मिलती है कहां पर, आर्टिकल 213 के अंदर। ठीक है, चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सो आज के न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट न्यूज है, इट्स अबाउट द वैक्सीनेशन। हुआ क्या, अब फ्री वैक्सीनेशन सबसे पहले किसको मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी 3 करोड़ हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को। ये डेटा आ चुका है कि किन 3 करोड़ फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को मिलने वाली है, ये डेटा निकाल लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री निकाल चुकी है डेटा, और ये इस पे काम स्टार्ट होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आ जाती है, ये क्या है,
कि जो कोवैक्सीन है, जो अपने कल भी पढ़ा था कोवैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, ठीक है, वो उसको क्लियरेंस मिल गई है, ठीक है, किससे मिल गई, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब कोवैक्सीन को एज अ इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जाएगा कि अगर जो वैक्सीन है, जो एमआरएनए वैक्सीन है, अगर वो खत्म हो जाती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस आने होते हैं तो कोवैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है उसको आप इमरजेंसी की तरह यूज कर सकते हो। सेम गोज विथ एस्ट्राजेनिक, ये ऑक्सफोर्ड वाली है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक वैक्सीन, इसको भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि अपन इसको भी एज अ वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड न्यूज, इट्स अबाउट दी, अभी क्या होने वाला है, अभी बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है ना, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग से जस्ट पहले लश्कर ए तैयबा के एक बहुत बड़े लीडर जाकी अर रहमान लकवी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ क्या, हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब ये है क्या बेसिकली, है ना, दिस इज अबाउट समथिंग, ये जाकिर और रहमान लकवी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ये पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एफएटीएफ। एफएटीएफ है क्या, सो एफएटीएफ कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, टोटल 39 मेंबर्स। मैंने क्या बोला, टोटल 39 मेंबर्स हैं, मैंने कंट्री नहीं बोला, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड कंट्रीज। तो 39 मेंबर्स में से 37 कंट्रीज हैं और टू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरी है गल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 39 मेंबर्स से 37 आर कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी पार्ट है, पाकिस्तान नहीं है मेंबर एफएटीएफ का, इंडिया मेंबर है और चाइना मेंबर है। 37 कंट्रीज है और टू ऑर्गेनाइजेशंस है, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरी कौन सी है, गल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो एफएटीएफ है क्या बेसिकली, इट्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफएटीएफ है क्या, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये आया क्यों, ये आया क्यों, बेसिकली टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको रोकने के लिए, जिसको अपन हवाला भी बोल सकते हैं, हिंदी में बहुत लोग हवाला बोलते हैं, और कि टेररिज्म एक्टिविटीज में कौन पैसा दे रहा है उसको रोकने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट टू रीड दिस न्यूज। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ट्रेड डेफिसिट इंडिया में ग्रो कर गया इन द मंथ ऑफ दिसंबर बाय $15 बिलियन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो डेटा है वो मंथली बेस आता है ना, ये अपने मंथली का निकाला कि दिसंबर के मंथ में 15 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। सो मंथली डेटा हमको याद नहीं करना, हमको याद करना है क्यूमुलेटेड डेटा कितना है, कितना क्वार्टरली आया, क्वार्टरली भी नहीं, हमको ईयरली याद करना है, एनुअली कितना डेटा है, डेटा वहां एनुअली डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंथली डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको याद रखने पड़ेंगे, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड मतलब, ट्रेड डेफिसिट का मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस में बात की गई है, ठीक है। सो ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा क्या है, कम है। मतलब हम चीजें ज्यादा खरीदते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज और हम अपनी चीजें कम बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारा जो हमारा पैसा है, जो हमारी कमाई है, वो कम है। सो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। चलो नाउ वी मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट न्यूज। सो यार दिस इज समथिंग अबाउट दिल्ली के आंगनबाड़ी वर्कर को फर्स्ट बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है। सो दिल्ली की न्यूज है तो नहीं याद नहीं पढ़ना हमको, रीजनल न्यूज है। नाउ वी मूव फर्दर, सो बेसिकली असम में एक बहुत बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ना, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि असम में जो भी डाउटफुल सिटीजन्स हैं उनको क्या सेंटर बताएगी कि भैया आपके राइट्स क्या, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके बेसिक राइट्स क्या है। तो इट्स वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, सो रीड दिस न्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। देखो देखा जाए तो इसमें से आपको कुछ करंट अफेयर्स की पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं मिलेगा, बट फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग एंड फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सो रीड दिस। नाउ वी मूव फर्दर, सो दिस इज अबाउट सिटी, सो यू हैव टू स्किप द सिटी न्यूज। नाउ वी मूव फर्दर अगेन, दिस इज अबाउट सिटी। सो दिस इज बेसिकली अबाउट क्लासिफाइड, यहां पर एडवर्टीजमेंट आते हैं संडे के दिन, ऐसा न्यूज पेपर होता है, एक ऐसा पेज आता है जहां पर एडवर्टीजमेंट आता है, सो ये स्किप करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट रीजन न्यूज, है ना, रीजन बेसिकली कौन सा रीजन, ये पूरे ऑल इंडिया के रीजन मान के चल रहा है, ये दिल्ली में, दिल्ली की भी न्यूज है इसमें, इसमें आपको मुंबई की भी न्यूज मिल जाएगी, लेकिन समथिंग बिल्कुल रीजन की न्यूज कि किसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के घर में चोरी हो गई, कि न्यू ईयर पार्टी में दो लोगों को पकड़ लिया गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी रीजन न्यूज, हमको स्किप करना है ऐसी न्यूज, ठीक है।
और यहां पर पॉलिटिकल न्यूज है, वी हैव टू स्किप दिस नाउ। सो अपन नेशनल न्यूज पे आते हैं। सो नेशनल न्यूज में हुआ क्या, पहली न्यूज अबाउट दी तेलंगाना हाईकोर्ट, ठीक है, तेलंगाना हाईकोर्ट पर जिसको आंध्र हाईकोर्ट भी बोल सकते हैं। हुआ क्या कि एक कॉलेज है, एक कॉलेज बेसिकली एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज ने एक स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाई, स्टूडेंट प्रूफ नहीं कर पाई कि वो उसने 11th और 12th में बायोलॉजिकल स्टडीज पढ़ा था, मतलब बायोलॉजी पढ़ी थी, वो ये प्रूफ नहीं कर पाई, ठीक है। और उसने नीट का एग्जाम दिया था, नीट की एग्जाम क्वालिफाई किया, उसकी रैंक आई और एनआरआई स्टूडेंट की तरह वो एडमिशन लेना चाहती है। अब सुप्री अब वो क्या हुआ, जब कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाई थी स्टूडेंट, तो हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया टू दी कॉलेज कि भैया आप उसको एडमिशन दो, है ना, प्रूफ से मतलब नहीं है, उसने नीट का एग्जाम निकाला है, उसकी रैंक आई है, वो एलिजिबल है, आपको उसको एडमिशन देना होगा, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। सो दिस इज समथिंग अबाउट पॉलिटिकल। सो या जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड करने वाले हैं, वैसे ही सेम गोज विद कर्नाटका, कर्नाटका में भी जो चीफ मिनिस्टर बी एस येदुरप्पा वो भी अपने कैबिनेट को एक्सपेंड करने वाले हैं, बट नॉट नाउ, वो आफ्टर दी संक्रांति, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। सो नॉट इंपॉर्टेंट, या दिस इज अबाउट नॉट इंपॉर्टेंट। सो या एक ऑबिचुरीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो कांग्रेस के बहुत बड़े वेटरन लीडर और फॉर्मर होम मिनिस्टर राजीव गांधी के टेन्योर में होम मिनिस्टर रह चुके हैं वो, बूटा सिंह, उनकी डेथ हो चुकी है। सो एक जगह नोट डाउन कर लो फॉर द एडिट पर्पस, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रीड दिस। नाउ वी मूव फर्दर। सो या अभी रिसेंटली हुआ क्या, रिसेंटली एक नया आईआईएम खुल गया, ठीक है, नया मैनेजमेंट कॉलेज खुल गया, कहां पर, उड़ीसा में, उड़ीसा में किस सिटी में, संबलपुर में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो नया एक आईआईएम खुला, आईआईएम संबलपुर, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सा नया आईआईएम खुला है, ठीक है, आईआईएम संबलपुर। और एक चीज और है, अगर आप देखेंगे, सो इट्स अबाउट समथिंग, उड़ीसा रिच हेरिटेज है ना, ऑफ संबलपुरी एंड इकत टेक्सटाइल। So, इकत जो टेक्सटाइल है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि इकत टेक्सटाइल किस स्टेट से रिलेटेड है या किस रीजन से रिलेटेड है, तो हमको पता हो जाएगा, हमको पता हो जाएगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी उड़ीसा हेरिटेज, है ना, रिच हेरिटेज। तो ऐसी न्यूज हमको एक्सपेक्ट करनी है न्यूज से, ठीक है, न्यूज पेपर से। नाउ वी मूव फर्दर। सो आगे अभी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाएगी। सो या अब हुआ क्या, बेसिकली एक रामसर साइट है असम में, कौन सी, देपुरबीन, देपुरबीन में एक बहुत सारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी को फिशिंग करने से रोक दिया गया, अथॉरिटीज ने उनको बैन कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उस साइट से, ठीक है। सो हमको एक पता लग गया कि जो देपुर बेल है ये क्या है, एक तो रामसर साइट है। अच्छा, ये रामसर होते क्या है, रामसर साइट्स हैं कितनी टोटल, तो टोटल इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है, 42, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिसेंटली हमारी कौन सी रामसर साइट एड हुई है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग के ये रामसर साइट अगर पढ़ोगे ना, तो रामसर साइट कहां से लिया गया पता है, ईरानियन सिटी से, ईरानियन सिटी से रामसर साइट आया है, ठीक है। सो रीड दिस न्यूज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रामसर साइट क्या होते हैं, ऐसे कौन से साइट, सो इट्स बेसिकली अबाउट वेटलैंड। अभी वेटलैंड है क्या, सो वेटलैंड इज बेसिकली ऐसा लैंड जहां पर कभी वॉटर आ गया था, मतलब फ्लड आ चुकी थी, अब वो वहां पर वाटर परमानेंटली है, अब वहां पर ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है कि वहां पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वहां पर हो जाते हैं, ठीक है। तो रामसर साइट अबाउट दिस, तो एक वेटलैंड है, वेटलैंड साइट्स होती हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स होती हैं, टोटल इंडिया में कितनी है, 42। अब ये देखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी, सो ये इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। सो वर्ल्ड की न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, इट्स अबाउट ईरान। ईरान में क्या हुआ, ईरान ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है, कौन सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको बोला है कि हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे 20% ज्यादा। बेसिकली एक थ्रेशोल्ड लगा हुआ था टू इन दी 2015 वेना अकॉर्ड में कि आप इतना ही ईरान एक्सट्रैक्ट कर सकता है यूरेनियम, बट ईरान ने अब क्या बोल दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को क्या बोल दिया कि हम 20% ज्यादा यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान चाहता है कि हमारे जितने भी सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएं। अब यूरेनियम से क्या खतरा है, यूरेनियम बेसिकली किस लिए यूज होता है, फॉर दी न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए,
एटॉमिक एनर्जी के लिए यूरेनियम यूज किया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमको यह देखना है कि ईरान के ऊपर कौन कौन सेंक्शन लगे हैं और किस कंट्री ने सेंक्शन लगाए हैं, है ना। सो रीड दिस न्यूज। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, वॉट इज दिस एजेंसी, ये किस 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 अंडर क्या आता है, ये क्या ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सो रीड दिस, इसके बारे में पढ़ो, ये कब एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। नाउ वी मूव फर्दर। सो अभी बेसिकली ब्रिटेन क्या है, एग्जिट कर जाएगा यूरोपियन यूनियन से, है ना, लेकिन यूके का एक पार्ट है कौन, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इज अ कंट्री बट यूके का पार्ट है। अब स्कॉटलैंड के जो लीडर है वो ईयू को बता रहे हैं कि हम तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट होना चाहते हैं, सॉरी यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहते हैं। सो अभी जो स्कॉटलैंड की जो लीडर है निकोला, उन्होंने क्या बोला है कि हम रेफरेंडम कराएंगे अपनी स्कॉटलैंड कंट्री में, रेफरेंडम से हम यूके से बाहर आ जाएंगे, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे और फिर हम ईयू का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा स्टेटमेंट है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट समथिंग, इंग्लैंड तो इंग्लैंड चाहता है, इंग्लैंड के सिटीजन चाहते हैं कि हम ईयू से बाहर आ जाए, बट लेकिन जो अदर सिटीजन है, स्कॉटलैंड के सिटीजन है, साउथ वेल्स के सिटीजन है, वो नहीं चाहते कि हम ईयू से बाहर आए, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है ईयू से, क्योंकि जीरो ट्रैफिक लगता है। हमने पहले ही समझा था कि ब्रेग्जिट है क्या, ईयू था क्या, एक बेसिकली ईयू इज अ टाइप ऑफ कंट्री मान लिया जाता था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर अगर आप कोई भी वीजा ही लगता था, कोई भी पासपोर्ट ही लगता था, आप ट्रेवल कर सकते थे विदाउट अ पासपोर्ट विदाउट वीजा फ्रॉम वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगता था, कोई ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, आप जॉब करने जाते थे तो आप फ्रीली जॉब कर सकते थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब ब्रिटेन एग्जिट कर गया फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। सो यार संडे की न्यूज में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमको यह पता करना है कि जो राबी फूड ग्रे है ना, ठीक है, इसका आउटपुट अभी 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 बढ़ जाएगा, ठीक है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड से अभी बढ़ जाएगा। हमको एक चीज और याद करनी है कि राबी फूड ग्रेन्स, टाइप ऑफ राबी फूड ग्रेन्स एंड वॉट आर खारी फूड ग्रेन्स, ठीक है, कि खारी फूड ग्रेन्स और राबी फूड ग्रेन्स में डिफरेंस क्या है, ये किस मंथ में होती है, और टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड राबी फूड ग्रेन्स एंड खारीफ में कौन कौन सी फूड ग्रेन्स होती है, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन कौन कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राबी बेसिकली कब होती है, विंटर में आती है, और खरीफ कब होती है, समर में आती है, और मेजर क्रॉप कौन सी है खरीफ का, वीट एंड मस्टर्ड, ठीक है। सो अगर न्यूज पढ़ोगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा कि क्या राबी क्रॉप है और क्या खरीफ क्रॉप है और वॉट इज कॉमर्शियल क्रॉप। नाउ वी मूव फर्दर। सो नॉट इंपॉर्टेंट द बिजनेस न्यूज, सब एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर। सो नाउ वी मूव फर्दर। सो दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, फॉर यू ऑल गाइज, फॉर द क्लैट एस्पिरेंट्स एंड फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, बट मैं चलो ओवरव्यू दे देता हूं कि इस बारे में क्या डिस्कस किया गया। सो बेसिकली इस पैसेज में डिस्कस किया गया कि जो ऑलरेडी इंफेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जो ऑलरेडी जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, क्या उनकी एंटीबॉडी जनरेट होगी, क्या उनको सही में वैक्सीनेशन की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑथर क्या बता रहे हैं कि भैया देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, हमको नहीं पता, ऐसी कोई स्टडी भी निकल के नहीं आई कि अगर कोई पर्सन जिस जो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, उसकी एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना ही कोई ऐसी स्टडी आई। सो इट्स गुड फॉर द सिटीजन और इट्स गुड फॉर द पीपल जिनको ऑलरेडी इंफेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से, वो वैक्सीन ले लें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्या प्रिकॉशंस हो गए नहीं पता, सो वैक्सीन उनको लेनी चाहिए। सो नाउ वी मूव फर्दर। सो नॉट इंपॉर्टेंट, बेसिकली नॉट इंपॉर्टेंट, ओवरव्यू दे दिया है क्या डिस्कस किया गया। सो या बेसिकली इट्स अबाउट इंडिया। तो चेन्नई में बेसिकली एक ऐसा डेटा निकल के आ रहा है, एक ऐसा नया मेजर निकल के आया कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाओगे कि रेन कितनी आने वाली है और कितना फ्लड आ सकता है फ्रॉम द टाइड, है ना। सो नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस न्यूज, आगे इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एफएक्यू में इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। सो या दिस इज समथिंग अबाउट ब्रेक्सिट डील, तो अपने ब्रेक्सिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो जिसको ब्रेक्सिट के बारे में नहीं पता तो वो पुराने वीडियोस पर जाए, ब्रेक्सिट के बारे में पढ़े। और ये बेसिकली ये जो पैसेज है, ये जो एडिटोरियल है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या प्रिकॉशंस डील करने पड़ेंगे किसको, इंग्लैंड को आफ्टर द एग्जिट और यूरोपियन यूनियन को आफ्टर द एग्जिट, ठीक है। सो रीड दिस ऑन योर ओन, क्योंकि ब्रेक्सिट के बारे में पूरा ओवरव्यू मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, क्या ब्रेक्सिट था। सो यहां पर आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड और दिस इज द फ्लैग ऑफ
यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में देखो कि यूरोपियन यूनियन में अभी कितनी कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है। सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेसिकली कहां पर है, बेल्जियम। सो नाउ वी मूव फर्दर। सो यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज अबाउट प्रोफाइल्स, ये इंटरनेशनल न्यूज होती है ना। अभी ये बताया गया कहां पर, जो अभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेपाल में उससे रिलेटेड। सो कम्युनिस्ट की देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी का डिफरेंस बता रहा है। सो हमको ये स्किप करना है, पूरा पेज स्किप करना है संडे के परस्पेक्टिव से, ठीक है। सो पूरा स्किप करना है। नाउ वी मूव टू आर स्पोर्ट्स न्यूज। सो या तो हमारे जो फॉर्मर क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के जो कैप्टन रहे सौरभ गांगुली, उनको हार्ट अटैक आया है ना, और वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। सो रीड दिस न्यूज, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं वो, और उनको जो सौरभ गांगुली एक बहुत बहुत बड़े और बहुत ही प्रोमिनेंट क्रिकेटर रहे हैं, है ना, उनके बारे में ये न्यूज पढ़ा, ये न्यूज पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव फर्दर। सो या दिस इज समथिंग अबाउट क्रिकेट, ऑल क्रिकेट। सो या ये था हमारा एनालिसिस आज के न्यूज़पेपर का। सो आज के न्यूज़पेपर में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स टेकिंग टाइम टू अपलोड। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या डिस्कस करना है, कि अब अपन ने डिस्कस किया एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंस, फिर अपन ने आगे डिस्कस किया कि एफएटीएफ क्या है, ठीक है, फिर ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिर अपन ने आगे डिस्कस किया अबाउट दी रामसर साइट, है ना, रामसर साइट्स के बारे में पढ़ो, ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ो। ये आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो बाय बाय गाइस, हैव फन। और ये था हमारे आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस।